गुड मॉर्निंग बच्चों, निकाल दिए सिक्स क्लास की हिंदी की बुक। फिफ्थ वाला लेसन चल रहा था नीड का निर्माण फिर नीड का निर्माण फिर इसमें हरिवंश राय बच्चन कौन थे? अमिताभ बच्चन, जो फिल्म में अभिनेता थे कौन? अमिताभ बच्चन, उनके पिताजी थे हरिवंश राय बच्चन। ठीक है, तो नीड का निर्माण फिर लेखक है हरिवंश राय। उन्होंने वो कह रहे हैं कि नीड का निर्माण हमें बार बार करते रहना चाहिए, बार बार हमें परिस्थितियों से लड़ते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए। हमेशा दुख के बाद सुख आता रहता है, जैसे कह रहा है जैसे पक्षी के सामने विपरीत परिस्थितियां होने पर भी वह हार नहीं मान रही है। वह क्या कर रही है? बार बार उस नीड का निर्माण कर रही है। नीड का मतलब घोंसले का निर्माण, अपने मकान का निर्माण कर रही है, क्योंकि क्या होता है, हर अंधकार के बाद में उजाला अवश्य आता है। तो देखिए, इसने वैसे तो हमने यहाँ तक कर लिया था, ऊपर वाला फर्स्ट पैराग्राफ कर लिया था, लेकिन हम फिर से देखते हैं ऊपर वाला पैराग्राफ। देखिए 29 पेज नंबर पे, बोल आशा की विहंगम, यहाँ से देखना, बोल आशा की विहंगम किस जगह पर तू छिपा था, हे आशा के पक्षी। विहंगम का क्या है? पक्षी। हे आशा के पक्षी, किस जगह तू छिपा था? तुम में इतनी आशाएं भरी हुई है, इतने परिस्थितियों से लड़ने की क्षमता है, तू इतनी देर कहाँ छिपा हुआ था? जो गगन पर चढ़ उठा था गर्व से निज वक्ष फिर जो गगन पर जाकर, गगन में आकाश में जाकर गर्व से उड़ता था निज वक्ष फिर अपनी छाती को फैलाकर, अपनी गर्व की छाती से तू क्या करता था? गर्व से उस आकाश में तू उड़ता था। आज जब अंधकार छा गया, चारों तरफ तूफान आ रहा है, तू कहाँ छिपा बैठा है? नीड का निर्माण फिर नेह का आह्वान फिर लेखक कह रहा है, तू इस विपरीत परिस्थिति के अंदर छिपकर क्यों बैठा है? तू आसमान में फिर से उड़, जिस गर्व से तू पहले उड़ा करता था, आज भी तू उसी गर्व से गगन में उड़। नीड का निर्माण फिर नेह का आह्वान फिर घोंसले का या मकान का निर्माण हमें बार बार करते रहना चाहिए। जितनी बार टूटता है, जितनी बार हमें बनाते रहना चाहिए, मतलब दुख कितना भी आए उनसे हमें टकराते हुए, उनका सामना करते हुए हमें सुख की अनुभूति करते रहना चाहिए। नेह का आह्वान फिर अपने मन में प्रेम, हमेशा प्रेम को हमेशा बुलाते रहना चाहिए। क्रुद्ध नभ के व्रज दंतों से उषा है मुस्कुराती। जब बादल छा जाते हैं, जोर जोर से बिजलियाँ कड़कती हैं, तो उस समय कहा गया है जो बिजलियाँ कड़कती हैं उनको तो वज्र दंत कहा गया है, वज्र के समान दांत बताए गए हैं। क्रोध के अंदर वज्र के समान जो दांत दिखाई दे रहे हैं वो क्या है? जो बिजलियाँ चमक रही हैं उनके अंदर भी क्या हो रही है? एक हल्की उषा की मुस्कान हमें दिखाई देनी चाहिए। जो दिखाई दे रही है मतलब जो चारों तरफ अंधकार छा गया, चारों तरफ संकट ही संकट है, मुसीबतें आ रही हैं, तो फिर भी हमें क्या करना चाहिए? उन परिस्थितियों का सामना करते हुए एक छोटी सी आशा लेकर हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। घोर गर्जन में गगन के कंठ में खग पंक्ति गाती। उस घनघोर घटाओं के अंदर जो गर्जना कर रहे थे, जो बादल गरज रहे थे, उनके अंदर भी कंठ से एक पक्षी गीत गाता है। एक चिड़िया चोंच में तिनका लिए जो जा रही है। एक चिड़िया क्या कर रही है? चोंच में तिनका लिए जा रही है। इतना अंधकार छा रहा है, चारों तरफ अंधेरा हो रखा है, तूफान आ रहा है, जो बड़े बड़े पहाड़ थे, विशाल पर्वत थे, वो भी क्या हो रहे हैं? हिल रहे हैं। जो ईंट पत्थरों के मकान बने हुए थे वो भी हिल रहे हैं। तो ये घोंसला तो जो तिनकों से बनाया हुआ है उसका तो क्या हाल होने वाला है, लेकिन फिर भी चिड़िया क्या कर रही है? अपनी हिम्मत नहीं तोड़ रही है। फिर से वह अपनी चोंच में तिनका लाकर उस घोंसले का निर्माण करने के लिए चली जा रही है। वह सहज में ही पवन 49 को नीचा दिखाती। वह क्या कर रही है? वह जो चिड़िया जो तिनका लिए मुंह में जा रही है, वह सरलता से पवन 49, जो तूफान चल रहा है, काफ़ी तेज हवाएं चल रही हैं, उनको नीचा दिखाते हुए उनके सामने भी क्या कर रही है? हिम्मत बनाकर रख रखी है, उनको भी हरा रही है। नाश के दुख से कभी जो चारों तरफ विनाश हो रहा है उसका दुख ना करते हुए, उनको उनसे नहीं दबते हुए, उस दुख से नहीं दबते हुए निर्माण का सुख
नहीं दबते हुए क्या कर रही है, निर्माण कर रही है किसका, घोंसले का। जो चोंच के अंदर वह तिनका लेकर आ रही है वह सरलता से तूफानों का सामना करते हुए आगे बढ़ रही है और एक नीड़ का निर्माण कर रही है। वह क्या कर रही है, नाश के दुख से कभी दबता नहीं। वह क्या कर रही है, विनाश इतनी विपरीत स्थिति आ रही है लेकिन फिर भी वह क्या कर रही है, उन दुखों को भूलकर उनसे नहीं दबते हुए वह क्या कर रही है, एक नया निर्माण करने की कोशिश कर रही है और उसे सुख आनंद की प्राप्ति ले रही है। प्रलय की निस्तब्धता से जो चारों तरफ विनाश हो रहा है, चारों तरफ प्रलय छा चुका है, सृष्टि का नवगान फिर भी उसमें वह क्या कर रही है, निर्माण कर रही है, एक सृष्टि का निर्माण कर रही है और अपने घोंसले का निर्माण कर रही है। सृष्टि का नवगान फिर इतना प्रलय इतना तूफान आने के बावजूद भी हमें क्या करना चाहिए, हार नहीं माननी चाहिए, बार बार इस सृष्टि का निर्माण करते रहना चाहिए, बार बार हमें अपनी हिम्मत को नहीं हारते हुए नया निर्माण करते रहना चाहिए। नीड़ का निर्माण फिर हमें बार बार क्या करना चाहिए, कोशिशें करती रहनी चाहिए और हमारे मन में सुख का अनुभव हमेशा कायम रहना चाहिए। बार बार कोई कोशिश करने की, जो बार बार कोशिश करेगा उसकी जीत अवश्य होगी। इस प्रकार से हरिवंश राय बच्चन कह रहे हैं कि बार बार कोशिश करने पर जो दुख सामने है वो भी सुख में बदल जाएंगे, विपरीत परिस्थितियां भी क्या हो जाएगी, टल जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से ये लेसन आपका आज कंप्लीट हो गया है। इसके क्वेश्चन आंसर की बात हम कल करेंगे। इसके अंदर जो शब्दार्थ मैंने आपको बताए हैं, जिस जो अर्थ मैंने आपको बताया उसके अकॉर्डिंग जो शब्दार्थ निकल रहे हैं वो आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन आंसर की बात हम कल करेंगे। थैंक यू।